ये वह हुई। तो आज हम पाठ 10 मेरा हमारा तेरा तुम्हारा यानी yours and mine, yes ना? Yes. So पहले हम this that यानी यह वह ये वे यानी these those पहले हम इसको सीखे। तो आज हम मेरा हमारा तेरा तुम्हारा सीखेंगे। क्या है ये? अब तो पहले हम एक वचन में बहुवचन में कैसे बातें करते हैं वो शब्द पढ़े। तो आज हम मेरा ये मेरा पुस्तक है, ये मेरा पुस्तक है, ऐसे हम सीखेंगे। तो चलो बच्चों पेज नंबर 69 निकालो। ओपन द पेज नंबर 69। ओके सो मेरा हमारा तेरा तुम्हारा मैं पहले पढ़ती हूँ, आपको बाद में क्या करना है इसका सारांश जानना है। तो मेरे साथ भी आप भी पढ़ते जाओ। पार्ट 10 मेरा हमारा तेरा तुम्हारा। मेरा नाम सविता है, सतीश मेरा बड़ा भाई है, यह मेरा कमरा है, यह हमारा घर है, हमारे घर में एक कुत्ता है, कुत्ता वफादार होता है, यह तेरा खरगोश है, तेरा खरगोश प्यारा है, तेरा खरगोश गाजर खाता है, यह तुम्हारा विद्यालय है, तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है, तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है। तो ये है पाठ। क्या है इसका अर्थ आप सभी जानते हैं। थोड़े थोड़े लोग हिंदी अभी अभी सीख रहे हैं, थोड़े लोग समझते भी हैं और लिखने भी जानते हैं बच्चों, है ना? तो आज हम क्या सीखेंगे, मेरा हमारा तेरा तुम्हारा। माय नेम इज सविता। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सविता है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सविता। सतीश मेरा बड़ा भाई है। सतीश मेरा बड़ा यानी एल्डर। सतीश इज माय एल्डर ब्रदर। एल्डर यानी बड़ा भाई यानी एल्डर। सॉरी बड़ा यानी एल्डर। अंडरस्टूड? यह मेरा कमरा है, दिस इज माय रूम। यह हमारा घर है, दिस इज माय हाउस। यह मेरा घर है। आप तो अपने फ्रेंड्स को जब भी आप लेके आते हो तो आपको दिखाते हैं ना, यह मेरा घर है, देखो कैसा है, ऐसे पूछते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्र को पूछते हैं ना वैसे ही। हमारे घर में एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग इन माय होम। देयर इज अ डॉग इन माय होम। एक कुत्ता रहता है हमारे घर में, जो कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता बहुत वफादार होते हैं ना? यस, कुत्ता वफादार होता है। डॉग इज फेथफुल एनिमल। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तक हम तुम एक रोटी उसको दे दो तो वो पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे भागकर आता है बच्चों। तो हमें कुत्ते को पालना चाहिए। यह तेरा खरगोश है। खरगोश यानी रैबिट। यह तेरा खरगोश है, दिस इज योर रैबिट। तेरा खरगोश प्यारा है, रैबिट इज वेरी क्यूट। कैसा? क्यूट। तेरा खरगोश गाजर खाता है, रैबिट इज गाजर ना कैरेट ना, गाजर यानी कैरेट। आप पहले ही जानते हो गाजर यानी कैरेट। तेरा खरगोश गाजर खाता है,
कैरेट सॉरी रैबिट ईट्स कैरेट। यह तुम्हारा विद्यालय है, यहाँ पर तेरा यानी योर्स, तेरा यानी योर्स, मेरा यानी अवर्स, तुम्हारा यानी योर्स, तेरा मेरा ये है ना योर्स। यह तुम्हारा विद्यालय है, दिस इज योर स्कूल, तेरा यानी योर्स, तुम्हारा तेरा मेरा यानी अवर्स। तुम्हारा तेरा यानी योर्स, तुम्हारा मेरा अवर्स। तुम्हारा विद्यालय गांव के पास है, योर स्कूल इज नियर टू विलेज, योर स्कूल इज नियर टू विलेज। तुम्हारा विद्यालय साफ सुथरा है, योर स्कूल इज नीट एंड क्लीन, तुम्हारा क्या विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल साफ सुथरा है, योर स्कूल इज नीट एंड टाइडी, क्लीन एंड नीट। अच्छा बच्चो, दिस टुडे वी आर नाउ अबाउट वी आर लर्निंग मेरा तुम्हारा तेरा तुम्हारा। अच्छा नेक्स्ट टर्न द पेज, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो क्या करना है, सही फिल इन द ब्लैंक्स, सो फिल इन द, सो आपको पहले क्या करना है बच्चों, इसे पार्ट को, पार्ट का नाम लिखना है मेरा तुम्हारा तेरा तुम्हारा, लिखकर आपको ये पार्ट लिखना है। पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को लिखना है और मैच द फॉलोइंग लिखना है, और बाद में जो मैं यहाँ पर सेंटेंस देती हूँ आपको इंग्लिश अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है अंग्रेजी में। अच्छा बच्चो यस, तो सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। अभ्यास सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। मोहन डैश भाई है, आप बोलो बच्चों मोहन मेरा भाई है का मेरी, यहाँ पर मेरा आता है, मैं केवल यहाँ पर आंसर्स लिख रही हूँ बच्चों, आपको क्या करना है पूरे सेंटेंस में लिखना है। डैश घर बड़ा है हमारा, हमारा घर बड़ा है। नेक्स्ट डैश नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। नेक्स्ट चौथा डैश गांव कहाँ है, डैश गांव कहाँ है, तुम्हारा गांव, यहाँ पर तुम्हारी तुम्हारा दिया गया है, आपको क्या करना है, तुम्हारा गांव कहाँ है। तो ये हुए फिल इन द ब्लैंक्स के चार उत्तर। नेक्स्ट सही मिलन करो यानी मैच द फॉलोइंग, यानी जोड़कर लिखो मिलन करो, ये सभी एक ही शब्द का अर्थ होता है, मैं केवल यहाँ पर आंसर्स लिख रही हूँ बच्चों। सतीश, यहाँ पर सतीश क्या है, ये सतीश सविता का बड़ा भाई है, सविता का बड़ा भाई है। नेक्स्ट सेकंड सविता का बड़ा भाई है,
होता है, वफादार होता है। थर्ड वन, खरगोश प्यारा है। खरगोश प्यारा है। विद्यालय गांव के पास है। तो दीज आर आंसर्स ऑफ मैच द फॉलोइंग। ओके बच्चों, आप समझ गए हो, मैं समझती हूँ ऐसा। तो आपको क्या करना है, पहले पाठ लिखना है, बाद में ये अभ्यास लिखना है, प्रश्न सहित उत्तर लिखना है। तो नेक्स्ट, पहले इसको कॉपी करो, आप पेंसिल से टेक्स्ट बुक में मार्क करो पहले, बाद में अपनी फेसबुक में लिख सकते हो। तो मैं के इस टेक्स्ट बुक में अलावा एक दो और होमवर्क दे रही हूँ बच्चों। क्या है अभी? नीचे दिए गए शब्दों के मात्रा लिखकर अंग्रेजी में अनुवाद करो। नीचे दिए गए शब्दों का मात्रा लिखकर अंग्रेजी में अनुवाद करो। टाइम प्लीज। पहला काम, काम आपको काम मैं पहले ही मात्रा सिखाने लिखकर अलग अलग मात्रा पत्थर लिखकर उसका इंग्लिश का नाम करने लिखने भी मैं बोल चुकी हूँ। आपको क्या करना है, इन शब्द को मात्रा सहित लिखकर और उसका अंग्रेजी का नाम लिखना है। दूसरा, बालक तीसरा जान। आप वीडियो पॉज कर ये वर्ड्स लिख सकते हो, यहाँ पर आपको जगह है, अपनी टेक्स्ट बुक में ही जगह है, पेंसिल से आप लिख सकते हो। कागज, पिपल, जानवर, सिक्स्थ वन आम, चित्र, सूरज, अनुवाद करना है। जैसे काम, क प्लस आ मात्रा काम, तो काम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्क है ना। ऐसे आपको अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि आपको मार्क्स मिल सके। बच्चों आप होमवर्क नहीं करें, सीधे सीधे बोल रही हूँ मैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, होमवर्क करो बच्चों, होमवर्क करो। आप सभी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है, फिर आपको मार्क्स मिले चाहिए तो आपको क्या करना है, होमवर्क कर हमें इमेजेस भेजना है बच्चों। नेक्स्ट, और एक होमवर्क, और एक होमवर्क
कॉपी राइटिंग, हिंदी लेखन, एक ट्रीच, वन पेज कॉपी राइटिंग, आज का आपका होमवर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इनका, इसका, उसका, उनका। तो यहाँ पर एक अध्ययन संकेत दिया गया है बच्चों से, मेरा, हमारा, मेरा, तेरा, तुम्हारा शब्दों का उपयोग करें। आपको क्या करना है, इन शब्दों के और सेंटेंसेस लिखना है। यह मेरा घर है, ऐसे आपको ऐसे वाक्य रचित करना है। अच्छा बच्चों, ये है पूरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 11, इसका, इनका, उसका, उनका हम सीखेंगे। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।